एक शायर ने कहा है, मैं एक कतरा हूँ, मेरा अलग वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। हमारे आज के मेहमान भी कुछ ऐसे ही हैं, उनका एक अलग वजूद है, लेकिन अपने आप में वो एक समंदर हैं कला का। और हम उन्हें जानते हैं एमके रैना के नाम से, दी एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी एंड वेल नोन एक्टर। हमारे प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमेशा एक जो आपकी राह रही है, अलग रही है ना? पानी का प्रवाह जो होता है उसके अगेंस्ट जब आप स्विमिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा चैलेंज होता है एंड देन यू फील द एनर्जी ऑफ इट। लेकिन मुश्किल रहा होगा कि एक तो आपने थिएटर को चुना और यू डिसाइडेड ऑलवेज टू बी इंडिपेंडेंट। इट वॉज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन अच्छा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि मैं मेरे दोस्त से नसीर तब मेरे से जूनियर थे तो कहता है, मैं गया फ्रीलांस करेंगे, मरोगे क्या करोगे, मैं देखी जाएगी क्या होगा। सो इट स्टार्टेड बिकॉज मेरा ये बिलीव था कि मैं आई डोंट लाइक आइडियाज ऑफ अदर्स टू फॉलो। ये मैं आई वुड रियलाइज दिस, मुझे अपने आइडियाज ही जितने कम काम करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरा ये था कि दैट टाइम देर वॉज नॉट मच, अभी भी कुछ नहीं है थिएटर के लिए कोई ऐसी संस्थाएं जहां पर यू विल बी इनवाइटेड टू डू या दे करें जैसे वेस्ट में होता है। हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज और अपनी एम्प्लॉयमेंट और अपनी जिंदगी और जीना सारा खुद ही करना पड़ता था। मेरा एक दोस्त, इसकी डेथ भी हुई, अस्ता देवू, लाइक अ ब्रदर टू मी, उसको मैं हमेशा कहता था हमाल जमाल कमाल, सब कुछ खुद करता था। ऑल ओवर वर्ल्ड इज टू गो, ही विल बी मैनेजिंग हिज फंड्स, ही विल बी मैनेजिंग हिज शो, मैनेजिंग हिज कॉस्ट्यूम, सब कुछ खुद करता। तो हमारी देश की ऐसी स्थिति है अभी भी, वो उस पर किसी का ध्यान भी नहीं गया कि उसको बदला जाए, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आए। मतलब कहने का ये है कि जैसे बड़े मेरे से सीनियर जो है अभी तनवीर रहे या उनसे भी बड़े रहे, उनके लिए स्टेट विल प्रोवाइड देम, और कोई संस्था, आप काम कीजिए, बहुत डोंट बॉदर अबाउट इनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी। कोई तनख्वाह ज़्यादा होती नहीं थी उनके कलाकारों की, नहीं होता है यहाँ। और ज्यादातर कलाकार दिन में या तो बैंकर होते थे या कोई और नौकरी करते वो तो थे। एमेच्योर से जो प्रोफेशनली इसको लेते हैं तो दे हैव टू स्ट्रगल। सी वो तो एमेच्योर करता है, बैंक में नौकरी करता है, शाम को थिएटर करता है, वो उतना ही थिएटर कर पाएगा जो 2 घंटे का होता है। ही विल नॉट ब्रेक द बाउंड्रीज ऑफ थिएटर, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, ही इज अबाउट द एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। और आज जो थिएटर का जो स्वरूप है वो हर चीज में मिलेगा आपको, जेलों में मिलेगा, अस्पताल में मिलेगा, मेंटली चैलेंज में मिलेगा, स्कूल्स में मिलेगा, एजुकेशन में मिलेगा, इट्स लाइक एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टुडे। तो वो आयाम सारी दुनिया में है, लेकिन ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन अभी आई डोंट थिंक दे विल एवर मेक इट यहाँ, क्योंकि मुझे लगता है हम सिर्फ संस्कृति को तभी बोलते हैं जब हम 5,000 साल बोलते हैं, और आधुनिक क्या कर रहे हैं वो हमें कुछ पता है। उन गुरु ने किया, उस पर क्या हमें नाज करना, वो तो है ही है। अजंता को वो बना हुआ, उसका क्या करेंगे, हम एलिफेंटा बना हुआ है। वेयर आर आवर अजंताज एंड एलिफेंटास, वी डोंट नो। यू हैव ऑलवेज मैनेज टू स्टे अवे फ्रॉम कमर्शियल थिएटर एंड सिनेमा। नहीं, कमर्शियल सिनेमा ऐसा नहीं है, देयर इज नॉट इन हिंदी मच। अच्छा, महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, दे डू बोथ थिंग्स, दे कैन डू इट। हिंदी इंडस्ट्री बम्बई में है, देयर जितने भी लोग रहते हैं वो मराठी थिएटर भी करते हैं, हिंदी फिल्म भी करते हैं, मराठी फिल्म भी करते हैं। वी डोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटीज इन द नॉर्थ। नॉर्थ इज अ वेरी वेरी बैड इन दैट वे। तो जो कुछ भी गया वो इंडिविजुअल लेवल पे ही है, हर आदमी अपने इंडिविजुअल पे काम किया है, अपने दम पे काम करता है। एंड येट यू नॉट ओनली कैरी ऑन विद इट, यू आर ऑल्सो इंस्पायरिंग सो मेनी अदर पीपल, यू बीन वर्किंग सो मच विद स्टूडेंट्स। गुमराह करने के लिए तो हम काफी खुद ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कल्चर एक सेफ्टी वेल्व है, प्रेशर कुकर जो समाज का होता है उसमें बड़े क्राइसिस होते हैं, बड़ा प्रेशर होता है, एंड इज अ वेरी सेफ्टी वेल्व, एंड इट इज एन इंटरफेस बिटवीन अथॉरिटी एंड द सोसाइटी। यहाँ से वहां दे सकते हैं, यहाँ से बन सकते हैं कि दोनों तरफ से लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं इसको करने दो, अगर बंद करने देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपने अलग अलग लैंग्वेजेस में खास तौर पे ध्यान दिया। द होल आइडिया या वर्कशॉप जो शुरू है ना, ड्रामा में वर्कशॉप, इट आई कॉइंड इट फॉर माई सेल्फ टू सर्वाइव। जब मैं एज अ यंग मैन में एक फिल्म करके आया था 27 डाउन बम्बई से, तो अब क्या करें, आपके थिएटर करें क्या करें, कैसे यार ट्रेनिंग प्रोग्राम ही करते हैं। सो एट रवि वसवानी सर विल डू इट, तो जॉय माइकल हमारे यहाँ सीनियर थे, उनको पास जगह थी, मैं कहा जॉय हम ऐसा करना चाहेंगे, तो बच्चे थे उनके, करो। तो उसमें वो भी आई,
बैरी भी आया, मैं भी आया, मार्कस मुझ भी आया, रणबीर सिंह भी आया, सब तो वी आर द जूनियर मोस्ट एंड इट हैड अ ग्रेट सक्सेस. उसका ये नतीजा हुआ कि हमको दूसरे स्टेट्स ने बुलाना शुरू किया, पहले यूपी ने, फिर मध्य प्रदेश ने, फिर सडनली ये हुआ कि आंध्र भी पहुँच गए हम केरल भी पहुँच गए, कश्मीर भी पहुँच गए, पंजाब में बहुत काम किया हमने, तो थोड़ा हमें लैंग्वेज बैरियर क्रॉस करना शुरू किया था. कश्मीर पे खास तौर पे बात करते हैं बिकॉज कश्मीर हैज़ बीन थ्रू सो मच स्ट्राइफ, और ऐसे में थिएटर को वहाँ पर एक तरीके से जिंदा रखना वो अपने आप में चैलेंज है. 90s में मैं वहीं था, अनफॉर्चुनेटली आई वाज देयर एंड एवरीथिंग हैपेंड बिफोर माय आईज. आई लॉस्ट माय मदर इन अ हॉस्पिटल रन बाय टेररिस्ट, सो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, उसके मैं बात नहीं करना चाहता. लेकिन ये हुआ था, डिक्टेटर्स क्लियर थे टेरर्स के कि कल्चर नहीं करेंगे आप, ड्रामा नहीं करेंगे आप, गाएंगे नहीं आप. मतलब 10 साल तक कश्मीरी लोक संगीत के लोग, लोक कला के लोग कुछ नहीं कर पाए. और मैं जब मिला उनको गांव में मिला, मैं उनके यू विल नॉट बिलीव, जैसे उनके घर में कोई मरा था ऐसे वो बुजुर्ग फूट फूट के रोए मेरे, क्योंकि मैं पहले उनके साथ काम किया था, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट देयर फैमिली कह दो. तो धीरे धीरे आई रियलाइज कि यहाँ तो ख़त्म ही हो जाएगा सारा ये जो परंपरा है जिसकी रूट्स पता नहीं कितने हजार साल पुराने हैं, इसको कैसे समझ. दोस्त नहीं थे कहीं, सब पता नहीं कौन कहाँ था, मेरी कम्युनिटी थी नहीं वहाँ, जो मेरे मुस्लिम दोस्त भी थे बेचारे डर के मारे पता नहीं कहाँ. इट वॉज रियली सर्चिंग कौन कहाँ है. तो दो तीनों के मैंने कहा एक समर में आए, मैं कहा मैं कुछ करूँगा, देखता हूँ क्या. एंड सीक्रेटरी नो बडी न्यू, वी आर हिडन एंड आई बाई माउथ पास्ट एंड थिएटर नौजवानों को अगर तुम करना चाहोगे बट यू हैव टू कम 1 month विथ मी इन रेजिडेंस, हम रहेंगे कहीं. मेरे दोस्तों ने एक जगह थी कि हॉस्टल खाली थे वहाँ, शालीमार गार्डन के पीछे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर पहाड़ों के अंदर एक बहुत सुंदर, इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस, और कोई था नहीं वहाँ. मतलब हम उनको मिला और हम लोगों ने वहाँ काम शुरू किया. दैट वॉज द बिगिनिंग एंड इट गॉट मल्टीप्लाइड एवरी ईयर 4 months. I will be in Kashmir working day in day out. If I train round about मतलब urban theatre में ही कोई हमने कोई 200-300 youngsters तैयार किए, उसमें लड़कियों को हमने director में हमने direct भी किया. Tagore Hall की धूल हमने साफ की, it used to be closed all years. दो बार जलाया भी था. Then I realized असली काम तो मेरा देहात में है, जहाँ असली लोक कला, जहाँ असली कल्चर कश्मीर का है. तो I knew them, तो मैं वहाँ गया, गाँव में रहने लगे. और वहाँ वो एक लंबी कहानी है, कहाँ स्क्रैच से शुरू करते करते ओवर 8-9 ईयर्स फाइनली लास्ट वॉज वी डिड शेक्सपियर्स किंग लियर एज बादशाह पत्थर. व्हेन वी डिड इट इन द रूरल एरियाज यू विल बी सरप्राइज, डिस्पाइट स्ट्राइव, डिस्पाइट स्ट्रेस, डिस्पाइट गन्स एंड वी हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉचिंग अवर प्लेबोर्ड, वी कुड बिलीव अवर सेल्स. पूरी पहाड़ी भरी पड़ी है लोगों से, औरतों से, बच्चों से, बुजुर्गों से. As, एक नहीं, जो शो भी होता था कम से कम 6-7 हज़ार लोग होते थे. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो भी एक रियलिटी है और ये भी रियलिटी है, कौन सी रियलिटी सही है. और वो भी बेखौफ होकर आ रहे थे थिएटर देखने. बिल्कुल बेखौफ गए, लेकिन कभी कभी एक बार थ्रेट, जबरदस्त ओपन थ्रेट आया. लेकिन वो कहानी है कि तो बंद रखे कहा पैकअप करो नहीं तो यहाँ लाशें गिरेगी. लेकिन उसका ये हुआ कि उधर लोगों ने ही कहा तुम नहीं जाओगे, अगर आज तुम नहीं यहाँ करोगे हम तो हार गए, ये जीत गए, तुम क्या चाहते हो, हम तुझे जाने नहीं देंगे. हमारी बस के पीछे उन्होंने ट्रैक्टर लगाया, करे जाएगी नहीं गाड़ी. मैंने कहा यार उसने थ्रेट किया कि लाशें गिरेंगी, आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस, मैं फिर आऊँगा, फिर कभी आऊँगा, डोंट वरी आई विल कम, दे डिडंट लेट मी. एंड देन एक बुजुर्ग है, वो तस्बीह हाथ में थी उनकी, वो आया मेरे पास, इधर आया, कहता हम तेरे लिए जान देंगे मगर तू कर, हम है ना यहाँ तू कर. मैंने कहा ये बुजुर्ग जो कह रहे हैं यार उसमें कुछ मैसेज है. देयर इज यू नो माई कश्मीर विच आई हैव ग्रोन अप इन, इट इज स्टिल देयर. मैंने कहा हम करेंगे, देखी जाएगी. हमने किया तो उसके बाद लोग अभी भी आते रहे. मतलब किंगलर जो है मरते ना एंड पे, यू विल नॉट, हम हंसते हैं, उसको मरने की जगह नहीं मिली. वो लोग पीछे से आते थे, ये लोग शिफ्ट करते थे, शिफ्ट करते थे. 6 फुट मुश्किल से उसे मिले, मरने में खुद कर, मरने भी नहीं दिया मुझे ठीक तरह से. So we have that way we revived quite a bit there. We achieved quite a good success. इस exercise से कम से 10-15 group बने वहाँ जो theatre कर रहे हैं. क्योंकि मैंने उनको पहले ही दिन कहा था मैं क्यों मछली नहीं दूंगा, मछली रॉड दूंगा, मछली तो मैं खुद पकड़ गई है.
तो मेरे लिए बहुत खुशी थी कि मैं केरला का फेस्टिवल था, नेशनल फेस्टिवल, वहाँ वहाँ का ग्रुप था और मैं भी था, यहाँ से ग्रुप लेके आया था ना। आई वॉज देयर एंड आई सेड यू सी दे हैव रीच्ड टू दिस पॉइंट, जबकि उन्होंने बिल्कुल छोड़ा था। कलकत्ता में नंदिकार करता है, वहाँ गए, दे स्टार्टेड कमिंग इन टू फेस्टिवल्स एंड दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर अ पर्सन हु हैज इनिशिएटेड इट। वी ऑलवेज सेइंग यार कुछ तो हुआ। एक स्टूडियो थिएटर बनाया उन्होंने गांदरबल में, वाह, गांव में, उनका अपना जमीन था, जमीन दे दिया, पता नहीं अभी पूरी कहानी क्या है, लेकिन मेरा एक एक्टर गुजरा था, यंग, बहुत ही अच्छा एक्टर था, उसकी बेटी से मैंने इनाग्रेट कराया, तो उसके डिटेल्स भेजी मुझे। सो आई फेल्ट, मैंने कहा यार ये बड़ी अचीवमेंट की तुम, एंड उन्हें व्हाट्सएप पे मुझे सुबह कहा दिस इज योर ड्रीम वी आर फीलिंग, देर इज नो स्टेट मनी, उसका कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं, विद देयर ओन एफर्ट्स दे आर डूइंग इट, दैट इज व्हाट इज नीडेड। वेदर थिएटर इज अ कम्युनिटी आर्ट, इफ द कम्युनिटी टेक्स ओवर यू हैव वन द बैटल। आई हैव वर्कड विद यू सो आई कैन टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, द ग्रुप दैट यू वर्कड विद लर्न टू स्पीक फॉर इट सेल्फ एज अ ग्रुप एंड एज इंडिविजुअल्स। Theatre is the game of mind. It's not just acting only. I mean, you cannot act if you don't have a mind. If you are not thinking, actor. Actors are thinkers. Actor तो सभी बनना चाहते हैं, उनको लगता है बहुत आसान है, जो हम पहली एक्सरसाइज में उनको कहते हैं उनको समझ नहीं, तो गेल ही अलग है कुछ गलत। तो आई थिंक यू नीड एजुकेटेड पीपल, मोर एजुकेटेड पीपल कमिंग इन टू थिएटर, एंड आई रियली लव वेन दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। Theatre is all about asking questions, why and how, to society, to governments, to powerful people, to the poor, everywhere. Why and how is very important. वो होगा तो you are creating a healthy समाज। आपने ये भी बहुत अच्छी बात कही कि फंडिंग कहाँ से आएगी? जब समाज देगा पैसे कर लो। दे शुड गेट इन्वॉल्व, दे शुड बी पार्ट ऑफ इट। इसी एक साक्षरता अभियान में मैं अपने दोस्तों के साथ निकला था, उनके बहुत अच्छा करते थे वो, कला जाथा निकालते थे, लेकिन पान वाले से लेकर बीड़ी वाले से लेकर सभी लोगों को पता था साक्षरता का अभियान यहाँ चल रहा है, एंड उनके यहाँ पोस्टर आते, शाम को वो आते थे, बात तुम ये करो हमारे, हमने जैसे गाँव में कश्मीर में किया, एंटायर गाँव वॉज इन्वॉल्व, इट वॉज नॉट ओनली दोज बैंड एक्टर्स विथ मी, टेलर, वी मेड देम एज सोफिस्टिकेटेड टेलर्स, दे डिड द डिजाइंस ऑफ द, इफ यू लुक एट दोस पिक्चर्स यू बी शॉक्ड टू सी दोस पिक्चर्स व्हाट दे आर, वी मे बी ट्रेंड देम। पॉटर हमारे लिए प्रॉपर्टीज बनाने लगा, जो ट्रंक वहाँ बना था वो हमारे मेटल प्रॉपर्टीज बनाता है। अच्छा, दूसरा ये होता है जो हमारे लोक कला के जो हमारे कलाकार होते हैं ये बड़े क्राफ्ट्समैन होते हैं, तो स्ट्राइक तो रोज होती थी, जेवर कहाँ से बनेंगे, दुकानें बंद थी। बिल्कुल, हम गए ऊपर, उन्होंने ले लिया हमको वो जंगल में, पतली सी ट्विग्स निकाली उन्होंने, अच्छा। वहाँ सारे गए हम लोग, आए लेके धोए हुए, और उन्होंने उससे डिजाइन से ज्वेलरी बनाई, चोकर बनाया, एक ही रात में ये बनाए, मालाएं बनाई, मतलब हर तरह से लोकल मटेरियल बिकेम द मटेरियल फॉर अस। एशियन एक्टर इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टर, वो गाता भी है, नाचता भी है, एक्टिंग भी करता है, क्राफ्ट्समैन भी है, एक्रोबैट भी है, डांसर भी है। वेस्टर्न एक्टर नहीं, वेस्टर्न एक्टर में इक्विटीज होता है, वो तो सिंगिंग एक्टर है, ये स्पीकिंग एक्टर है, ये मूवमेंट एक्टर है, ये एक्टर है। हियर इट इज रिक्वायर्ड, ये हमारे ट्रेडिशन में है, यहाँ से लेके पूरा चाइना तक यही ट्रेडिशन है, और खूबसूरत ट्रेडिशन है जिसको जितना बचाया जा सके उतना अच्छा है। पता नहीं कौन बचा रहा है, कौन काट रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन आपके कुछ कॉलीग्स हैं जो आपकी ये जो स्टाइल है थिएटर से जुड़ने का और डायरेक्शन का, उसके बारे में ओपिनियन रखते हैं, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। कर्मा वाली हमने पहला काम अपना इकट्ठे किया था, एंड सिंस देन एम के वर्किंग विद यू हैज बिन, मैं एक कहूँगी एक डिज़ाइनर की नज़र से, एक एक्टर की नज़र से, क्योंकि आपके साथ हमने एक्टिंग भी की है, एंड आई ऑल्सो असिस्टेड यू। तो सबसे बड़ी बात मुझे ये जो समझ में आई है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, इज़ योर लेवल ऑफ प्लानिंग, कि इतना प्लान करके इतने माइन्यूट डिटेल में आप हर एक चीज़ वर्कआउट करके आते हैं कि न डिज़ाइनर को कोई प्रॉब्लम होती है, कि यू नो ट्रैक बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जैसे एक्टर के लिए भी ट्रैक क्लियर हो जाता है कि हमारा डायरेक्टर हमसे चाहता क्या है, एंड देन इट्स वेरी इजी टू चैनल वंस थॉट एंड मूव ऑन अहेड। और इसके साथ योर कंपैशन, माई गॉड, किसी की लाइफ में अगर कुछ हो रहा है, कुछ समथिंग रॉन्ग, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, नॉट, यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट, एंड दैट आई थिंक इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग, क्योंकि इतने क्रिएटिव माहौल में, इतने डेडलाइंस हैं, सब कुछ है, उसके बीच में ये सोचना एक इंसान के नज़रिए से,
and to be able to reach out to another person, I think that's beautiful. And I'm blessed to have been working with you for so long. It's nice to hear. बात करते हैं सिनेमा की. तो how did you get your first break? मैं मंडिया हाउस में था तो एक दिन मुझे कहा कोई तुझे ढूंढ रहा है. I just left drama school में भी हॉस्टल में था ही हमारा हॉस्टल होता है. तो देखा कोई my name is Aftab Kaul. I'm making this film on this novel called 18 सूरज के पौधे. चाय पियोगे? तो हम गए बंगाली मार्केट में चाय पीने. वहाँ से फिर ऑथर मिला हमें रमेश बख्शी जिन्होंने वो नावल लिखा था. तो वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया. तो मैंने नेक्स्ट डे गेम स्क्रिप्ट मैंने पढ़ ली, स्क्रिप्ट नावल भी पढ़ ली. देन त्रिवेणी के लॉन्स में वी सिटिंग एंड वी डिस्कस द होल. अब उनका ये था कि वो न्यूयॉर्क से पढ़ के आए थे सिनेमा एंड वॉज वेरी वेरी सॉलिड इन दैट. वो मुझे टटोल रहे थे पढ़ा लिखा है कि नहीं है मुझे लगता है. तो उसके बाद ही सडे यू आर डूइंग दिस रोल. अच्छा तो ठीक है. उसके बाद जब शूटिंग का टाइम आई वेंट वन वीक बिफोर दैट टू बॉम्बे. वी लिव्ड इन अ YMCA हॉस्टल एंड वी डिड द फिल्म. काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उस फिल्म पे, बट इट्स अ फिल्म विच वन मेनी मेनी अवार्ड्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स. तो उसके बाद दूसरा फिल्म मेकर आया, उसका नाम था कुमार शानी, उसकी फिल्म की. उसका तीसरा आया मनी कॉल आया. उसके बाद मृणाल सेन आए, गोविंद एलानी. फिर ये धीरे धीरे एक साल में दो साल में एक एक दो दो फिल्में होती रही. तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक रहा. तो उसके बाद सडनली एक घर में एक लड़की आई एक दिन, कहने लगी हमें आपका ऑडिशन लेना. मैं क्यों ऑडिशन क्या होता है? कहते नहीं हम आपको एक्सपीरियंस देगा, आपको सुनाना है ये पढ़ के. मैं आई डोंट गिव ऑडिशन. अच्छा सर पढ़िए. पुलिस में पढ़ लिया. देन इट रिवील्ड वो आमिर खान की फिल्म थी कि तारे जमीन पर. तो उसके बाद वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गई टू द मेन स्ट्रीम. में कभी कभी आई वर्क देयर. If it's a good role, fine, why not? But the initial films that you did, like 27 Down, that was a lovely period in Indian cinema. See, that was a period. मैं जुड़ा भी इसीलिए क्योंकि इधर हम थिएटर में करते थे और अलग काम, उधर वो लोग भी करते थे. तो एक मीटिंग पॉइंट था कि we want to change. I think that was the time when we were a little idealistic. कि कुछ बदलेंगे, सिनेमा में बदलेंगे, थिएटर में बदलेंगे. उस वक्त मैं सिर्फ एक्टर ही नहीं, उनके लिए यू बिलीव मी आई यूज्ड टू डू मैनेजमेंट ऑल्सो समटाइम्स. अच्छा. मेरे जी में पैसे रहने को दो दो पैसे या करके देगा ये. एक क्राउड सीन करना था एक फिल्म में न्यू दिल्ली टाइम्स में. तो रमेश कह रहा मुझे नहीं आता रहना, तू कर दे. तो ऐसे करते हैं एंड वी डिड द सीन. सो इट वाज दोस वाज द टाइम्स व्हेन द कोलैबोरेशंस वर वेरी गुड. देयर वाज नो ईगो, हायरार्की नहीं थी एंड दे कुड अफोर्ड इट ऑल्सो इवन इफ. ऐसे मुझे याद है मृणाल सेन जो एक दिन कह रहे एंड आई नो आई थिंक आई एम अ फिल्म मेकर ऑफ 50 लाख. अच्छा. आई कांट मैनेज बियॉन्ड दैट बजट. जो हमारा इंटरनेशनल रेपुटेशन इन द आर्ट सिनेमा इज बिकॉज ऑफ पैरेलल सिनेमा. थिएटर के लिए एक वॉइस थ्रू होता है, एक्टिंग अलग तरह की होती है. तो डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक द ट्रांजिशन? आई थिंक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दैट टाइम हैड अ वेरी नाइस ट्रेनिंग प्रोग्राम. एक तो हमारे पास स्टूडियो थिएटर होता था. अच्छा. आई एम एक्टिंग हेयर, यू आर राइट हेयर इन फ्रंट ऑफ मी. सो आई कॉन्ट डू बिग जेस्चर्स. जो एक अजीब सी कथा है बड़े जेस्चर करते हैं. इट्स नॉट ट्रू. वी वर मेड रियलिज्म वॉज अ मिनिमलिस्ट रियलिज्म एंड व्हेन वी वेंट टू पुरानाकला टू डू अ प्ले वी न्यू स्केल इज डिफरेंट. We had been trained in such a way that we know how to use your voice even without mics. We don't use mics ever. Open on it, we'll do it because that is the training part of it. So at that time, it doesn't make. Maybe it some logon ko thoda lenses ka pata chal jayega. Otherwise, it's not a big difference. If you know what is the emotion, director puts you in that space. He says, "Mujhe aisa karke do," and you do it. उसमें भी आपने जो स्टार्ट किया, यू एक्टेड विद राखी जी, अ ग्लैमरस स्टार हु वाज टोटली डीग्लैमराइज्ड इन 27 डाउन. तो डिड यू एवर थिंक ऑफ गोइंग टुवर्ड्स कमर्शियल सिनेमा और दैट काइंड ऑफ सिनेमा? आई थिंक देयर वाज लिटिल बिट ऑफ एन एरोगेंस ऑन माय साइड दैट आई विल नेवर गो एंड आस्क एवर इन माय लाइफ टू एनीबॉडी प्लीज गिव मी दिस. देयर हैज नेवर बीन माय ग्रेन. That is maybe it's a shortcoming, maybe it's a stupid thing to do. But luckily, I would say I've done 30, 40 films. I worked Shabana, I worked with Dipti Nawal, I worked with Tanakshi Sinha, or I worked with Simita Patil, I worked with all of them. Yeah, yes, and it is okay. So it's not, I don't see ki mere upar uska koi impact padta hai. No impact on me. It doesn't touch me even. And I'll tell you some secret. A lot of these films I've not even seen. मैंने सुना है आपने तारे जमीन पर भी रिजेक्ट कर दी थी एंड दैट वाज अ ब्रेक थ्रू फिल्म. दैट वाज अ शॉक टू मी. फिर कमर्शियल से मार यार नहीं नहीं यार वो नहीं करना मुझे. नहीं नहीं करना नहीं है. वहाँ का एटमोसफियर अलग होता था. आई हैड अ वेरी बिटर एक्सपीरियंस विद बासु भट्टाचार्य की एक फिल्म की मैंने पंचवटी में. ही वॉज अ
फैमिली फ्रेंड, तो उन्होंने कहा तुम्हें आना है, तुम्हें करना है, तो आ जाएगा तो करोगे। वहाँ देयर वर टू दिस फिल्म स्टार्स हु हैड नो आइडिया हाउ टू बिहेव, एंड आई टोल्ड दिस ड्यूरिंग दिस मैन आमिर टोल्ड मी, आई सेड यार व्हाई डिड यू रिएक्ट, आई सेड आई हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस, आई सेड यू नो यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, सो दिस दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू वर्क, उसमें कुछ सोच नहीं सकता आदमी, तो इसे क्या हुआ था, सो आई टोल्ड हिम देन ही लाफ्ड, ही सेड मेरे साथ भी हुआ था। वेयर देयर इज अ कंफर्ट, आई डिड अ वेरी नाइस सीरीज रिसेंटली कॉल्ड फॉरगॉटन आर्मी, एंड इट वॉज अ लवली यूनिट टू वर्क, कबीर खान का यूनिट था, इट वॉज अ हार्ड वर्क, वी हैड टू डू इन जंगल्स 4 इन द मॉर्निंग टू गेट अप, बट everybody was everybody. This was based on Netaji's it was based on his army, Netaji's which was army. Forgotten, yeah. He was nowhere there, yeah. And then there's a picture of his, but it's about those soldiers, yeah, who didn't know after the freedom, mm-hmm, everybody forgot their, mm-hmm, sacrifices with them, yeah. It's about them, and but unit was so good, you could give anything to that unit. You feel you are spoiled because initially in theater and of course in cinema you have worked with the stalwarts, yes, you can say so that. It's not easy then to work with people who probably don't know their craft as well. Oh no, I tell you my arrogance, yeah. Sometimes they ask you, we are sending you an audition, to send an audition, so I asked this guy, who's the director who's asking the audition? I didn't know the director. He said, can you send me some of his footage? Which is true, if he's taking, he doesn't know I have a body of work, and he is asking me audition. Well, I will give you, but I want to see you. Are you capable of looking? I want to see your work also. Should I act with you? इसलिए मैंने आपकी introduction उस शेर से की थी। मैं एक कतरा हूँ, मेरा अलग वजूद तो है। हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। आपके बारे में बहुत से लोगों के बहुत से opinion हैं। क्या opinion है? हुजूर, आपके आर्ट के बारे में, आपकी कला के बारे में तो मुझसे बहुत बेहतर बहुत लोग बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट की एक समाजी जिम्मेदारी भी होती है कि हमारे समाज की जो खामियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो उस पर जुल्मात हो रहे हैं, उनको अपने कामों के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना और उन तमाम ताकतों के ख़िलाफ़ खड़े होना जो हमारे समाज को एक आज़ाद ख्याल और आज़ाद समाज बनाने से रोकती हैं। अगर आज हिंदुस्तान के आर्टिस्ट की फहरिस्त उठाई जाए, उन लोगों की फहरिस्त जिन्होंने इस समाजी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है और निभा रहे हैं, तो आपका नाम उसमें सरे फहरिस्त है। एक ऐसी निडर आवाज़ बन के आप हमारे सामने आए हैं जिसने हमेशा सच्चाई का, संविधान का, एहतजाज का, आज़ाद ख्याली का परचम उठाए रखा है और ये कह के हर उस चीज़ का जामन झटक दिया कि मनसब तो हमें भी मिल सकते थे लेकिन शर्त हुजूरी थी, ये शर्त हमें मंजूर न थी, बस इतनी सी मजबूरी थी। हर कोई ये कहता है कि देयर समथिंग सो डिफरेंट अबाउट यू एंड हाउ यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू कीप दैट थिंग अलाइव। मेरा एक मुहावरा है, चम्मच बन के नहीं काम करो, छुरी कांटा बन के काम, काट के खाओगे, उठा के तो खुद भिखारी खाता है, बेचारे के पास कुछ नहीं होता है। सो आई थिंक दैट माइट बी द अप्रोच द पीपल टॉक अबाउट, बट यस आई डोंट वॉन्ट थिएटर और सिनेमा जस्ट टू बी एन sense of entertainment and fashion. I want it to help our country. Our country is poor. Our country needs lot of education. It needs lot of things. And creative community must contribute our bit into this move to build this nation. In fact, a lot of work that you're doing is not even being advertised or published or known. Yeah. And one of the main things is, of course, your association with Safdar Hashmi. He was a dear friend. And I get a call that rush to the hospital, he's injured. I rush to the hospital, see him on the bed, convulsions are coming, nikal rahe hain. And within 24 hours, we lost him. Mm-hmm. But he and I used to discuss a lot of ideas, a lot of things what we should do in culture. Culture, not only theater, which was for the poor, for this. Hum dono jaane ek utsav hota tha, apna utsav sarkar ka. Hame itna gussa aata tha, isme itne paise, humne kaha hum jaane utsav karein, gareebon ka utsav. And we did it. Mangalpuri mein 1 month we did it, all top notch. थिएटर पीपल, डांस पीपल, पेंटिंग पीपल वेर ऑल देयर विद द पीपल दे आर डूइंग। तो उससे ये हुआ कि शायद हम जिंदा भी रहे उसी से, जो आज 30-32 साल हो गए हैं सफदर को गए हुए। आज सहमत के थ्रू हमने जितने पब्लिकेशंस की, जितने प्रोग्राम्स किए, जितनी क्रिटिकलिटी में आए कल्चर की, रेजिस्टेंस के रेजिस्ट किया कल्चर के थ्रू चीज़ों को, यूजिंग कल्चर
of India, what it has been and it should be, which is the idea of India, which is from 5,000 years old to the contemporary. Iski plurality, iski secularity, iski horizontality, it is monumentality, it is beauty. मुझे याद बार बार आता है डॉक्टर भावा ने बाला सरस्वती का एक डांस देखा था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे. तो उसके बाद इंटरव्यू में बाहर निकले एम जी के मेनन साइंटिस्ट, उनका दोस्त था, कहने लगे यू नो एम जी वी हैव टू गेट दिस, वी हैव टू गेट दिस. व्हाट आर यू टॉकिंग ऑफ होमी व्हाट, ही सेड डिड यू सी द परफेक्शन ऑफ द डांस, दिस हैज टू कम इनटू साइंसेस ऑफ इंडिया, सी द स्कल्पचर ऑफ इंडिया इज परफेक्ट, वी हैव टू. सो ये जो है ना पास्ट एंड प्रेजेंट को सशक्त रखना हमेशा के लिए और मॉडर्निटी को डिनाई नहीं करना. हाँ. ये नहीं करना कि भाई मैं वही करूंगा जो 3,000 साल पर वो चलेगा नहीं, होगा हवा ही नहीं वैसी है, ऑक्सीजन में आजकल बहुत कार्बन आ गया, तो आप जिंदा रहेंगे, आप टाइम के साथ चलेंगे. वो बहुत जरूरी है. मेरा बच्चा जो सिग्नल देता है वो कुछ नया सिग्नल है, वो सो आई मस्ट लिसन टू दैट सिग्नल, वो क्या क्या रहा है, उसी में कुछ नया निकलेगा, उसी में कुछ आएगा. सो आई थिंक what's very, that is what we do at Sahmat. Sahmat for us is a university of ideas on creativity. Agar aap 5 saal ki umr mein the great Dinanath Nadim ke student na rahe hote aur unhone aapko play mein na dala hota to aaj aap kahan hote? I would have been a doctor or a dental surgeon jo hamare ghar mein tha. Because that was because I did biology chemistry. But kar raha tha main, ghar wale kar rahe, but something I don't know how my father put me into music school. सो आई लर्न शास्त्रीय संगीत, विशारद से एक साल कम किया, बड़ा ख्याल करता था. साथ साथ बच्चा एक्टर चाहिए था तो मैं एक्टिंग करने लगा. जितने भी एमेचर ग्रुप थे उनमें बच्चा एक्टर हुआ है उसको ले लो. एंड इट वॉज माई स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच गेव मी अ स्कॉलरशिप टू कम टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. ये बच्चों को भेज दो वहाँ. तब होता था एक जो आज तो वह है ही नहीं वहाँ जम्मू कश्मीर में. There used to be scholarships in painting. Students used to go to Baroda or Shantiniketan, National School of Drama, Kathakandi, Bharatanatyam, sab hota tha tab. So I think many things contributed. Yes, Nadim Sahab's the Neki Badi play was the take-off. Jiski script aaj hai hi nahi kahin. I am looking for. I would love to do that play. You should do it again. I remember some songs. But मैं घरवालों से पूछा था उनके. उनके काफी पब्लिकेशन की भी उन्होंने, बट दैट स्क्रिप्ट इज लॉस्ट. तो जाते जाते कौन सा आपको सॉन्ग याद है उसका, वो गुनगुना दी? उसका एक किधी ट्रांसलेशन, वो था एक कहानी थी जंगल की. हाँ. जंगल में बर्ड्स हैं. हाँ. और रात को उल्लू आता है, सारे तहस नहस कर देता है जंगल को. हाँ. तो उनकी कॉन्फ्रेंस सब बर्ड्स लगती है कि क्या करें इस अंधेरे को, रात ही अंधेरे को कैसे मिटाएं. हाँ. तो कबूतर होता था ना डाव. हाँ. वो सोचता है, तोता कुछ बोलता है, शट अप, भालू कुछ बोलता है. और देन दे कम टू, हमें इंसान से इंटेलेक्ट लेना चाहिए. सो देर आर दिस मशाल्स कमिंग ऑफ शेक्सपियर, ऑफ कालिदास, ऑफ होमर, एंड ऑल बर्ड्स हैव दिस मशाल्स, एंड नाइट ऑफ द जंगल इज मेड इनटू लाइट. दैट वाज द प्ले. तो उसमें बंदर गाना गाता था, गवान गवान आसान आसान जिंदगी लसान, गाते गाते हंसते हंसते जिंदगी चलती बसती रहती है. आदमी की बदी चली जाती है, आदमी बदी चला और श्रंक हो जाती है, वो खत्म हो जाती है जब हंसते रहोगे तुम, तो ऑल योर इविल आइडियाज विल गो अवे फ्रॉम यू. बस हम भी ये उम्मीद करते हैं कि इस गाने का जो एसेंस है वो बस यूं ही बरकरार रहे, आपके लिए भी और थिएटर के लिए भी और हमारी इस कल्चर के लिए भी. थैंक यू. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू थैंक यू वेरी मच. माई प्लेजर ऑल्सो. हमें उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा. अगली बार तक के लिए नमस्कार.